काली कोयल और तोता। एक नदी के पास आम और अमरूद का बहुत बड़ा पेड़ था। आम के पेड़ पर कोयल का जोड़ा रहता था और अमरूद के पेड़ पर तोते का जोड़ा रहता था। वो हर वक्त आपस में झगड़ा करते रहते थे। कोयल को अपनी आवाज पर बहुत घमंड था। वो बहुत सुंदर गाती भी थी और तोते को अपने रंग पर बहुत घमंड था क्योंकि उसका रंग बहुत सुंदर था। दोनों कोयल बहुत चालाक थी। बड़ी कोयल ने कहा, सुन तोते, मेरी आवाज इतनी प्यारी है कि लोग मेरी आवाज सुनकर सुबह जाग उठते हैं, उनके दिन की अच्छी शुरुआत करते हैं और उनका मन खुशी से झूम उठता है। तोता उन्हें कुछ नहीं कहता, चुपचाप कोयल की बात को सुनता रहता है और घूमने के लिए उड़ने लगता है। छोटी कोयल कहती है, मुझे भी घूमने जाना है। नहीं नहीं, हम ज्यादा धूप में उड़ेंगे तो हम और भी ज्यादा काले हो जाएंगे। और हाँ, आज से हम नदी में सुबह और शाम दोनों समय नहाने के लिए जाएंगे, समझी? छोटी कोयल कहती है, मैं नहीं नहाऊंगी, मुझे नदी में डर लगता है, मुझे नहीं नहाना। एक बार नहाना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल की बात होती है। एक दिन छोटी कोयल ने सोचा, हाँ, ये तोता अमरूद खाता है, इसीलिए ये इतना सुंदर है। आज जब ये दोनों तोते घूमने जाएंगे तो मैं इनके पेड़ से अमरूद लेकर खाऊंगी, फिर मैं भी सुंदर हो जाऊंगी, दो समय नहाना नहीं पड़ेगा। तभी बड़ी कोयल कहती है, हाँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता और तुम भी ऐसा कुछ नहीं करोगी, समझी? नहीं तो कल वो हमारे पेड़ से आग तोड़ेंगे, उनकी आवाज हमारी जैसी प्यारी हो जाएगी और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। तुम मेरे साथ नहाने चलो, हम दोनों सुबह शाम नहाएंगे तो हम भी सुंदर हो जाएंगे। चलो ना, चलो नदी पर। छोटी कोयल कहती है, नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं नहाना, मैं तंग आ चुकी हूँ रोज दो दो समय नहाकर, हाँ, जरा सा भी रंग नहीं बदला। बड़ी कोयल छोटी कोयल को जबरदस्ती नदी पर ले जाती है। जब वो दोनों नहा रही होती हैं, अचानक से नदी में एक जंगली मछली आ जाती है और छोटी कोयल को दबोच लेती है। बड़ी कोयल रोने लगती है और अकेली रह जाती है। बेवकूफ मोर। एक जंगल में सोनू नाम का एक मोर रहा करता था। वह बहुत ही सुंदर था। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था, लेकिन वो सुंदर होने के साथ साथ बहुत बेवकूफ भी था। सोनू को बेर खाना बहुत पसंद था। वो सिर्फ बेर ही खाया करता था और अच्छे अच्छे ताजे ताजे बेरों की तलाश में वो जंगल में काफी अंदर तक चला जाया करता था। सोनू की इस आदत से उसके सभी घर वाले परेशान थे और उसे हमेशा समझाते थे। एक दिन मोर की माँ ने कहा, बेटा सोनू, तुम ये घने जंगल में मत जाया करो, वहाँ शिकारी आते हैं, तुम कभी भी उनके जाल में फंस सकते हो। बेटा, मैं क्या करूं माँ, यहाँ खाने को बेर ही नहीं है और मुझे बेर की तलाश में जंगल में ही जाना पड़ता है। सोनू किसी की बात नहीं मानता और वो बेरों की तलाश में घने जंगल में चला जाता है। वहाँ एक शिकारी ने अपना जाल फैला रखा था। मोर को देखकर वह शिकारी खुश हो जाता है। अरे वाह, आज तो मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, देखो कितना सुंदर मोर खुद ब खुद चलकर मेरे पास आ रहा है। शिकारी ने सोनू मोर को देखते ही उसे पकड़ने के लिए जाल फेंका, लेकिन सोनू उसके जाल में ना फंसकर उसकी पकड़ से बच गया और उड़कर भागने लगा। शिकारी भी उसके पीछे भागा। अरे रुको, कहाँ भाग रहे हो, तुझे तो मैं पकड़ ही लूंगा। लेकिन सोनू तब तक भागता रहा जब तक शिकारी उसकी नजर से ओझल ना हो गया। लेकिन इस भागम भाग में सोनू को पता ही नहीं लगा कि वो जंगल के किस हिस्से में आ चुका है। चलो अच्छा हुआ जान बची, शिकारी तो अब दिखाई नहीं दे रहा। अरे लेकिन मैं यहाँ कहाँ हूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सोनू धीरे धीरे उड़ता हुआ वहां से अपने घर की ओर चला, लेकिन रास्ते में खूब सारे बेरों की झाड़ियां देखकर उसका मन ललचाने लगा।
अरे वाह, इतने मीठे बेर। चलो घर जाने से पहले खूब सारे बेर खा लेता हूँ, बहुत भूख लगी है। और सोनू निश्चिंत होकर बेर खाने लगा, लेकिन वो यह नहीं जानता था कि हवा में उड़ता हुआ एक बाज उस पर नजर रखे हुए था। अरे वाह, इतना मोटा ताजा शिकार, यह तो बेर खाने में मस्त है। यही सही समय है इसे पकड़कर खाने का। बेर खाते सोनू को पता ही नहीं चला कि कब बाज उसके नजदीक आकर खड़ा हो गया। इससे पहले कि सोनू कुछ समझ पाता, बाज ने उसे अपने पंजों में जकड़ा और उड़ने लगा। छोड़ दो मुझे। लेकिन बाज ने उसकी एक ना सुनी और उसे मार कर खा गया। इस तरह सोनू को अपनी नासमझी और लालच की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। शैतान चूहा और उसका खाना। गोपाल दास अपनी पत्नी चंद्रा के साथ ग्राउंड फ्लोर वाले मकान में रहा करता था। वे दोनों बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे और रोज पूजा पाठ किया करते थे, लेकिन दोनों को मिठाई खाने का बहुत शौक था। उनकी रसोई हमेशा मिठाइयों से भरी रहती थी। गोपाल दास अपनी पत्नी चंद्रा के लिए तरह तरह की मिठाइयाँ लेकर आया करता था, लेकिन मोती चूर के लड्डू उनके पसंदीदा थे। एक दिन चंद्रा ने गोपाल दास से कहा, अजी सुनते हो, मोती चूर के लड्डू खत्म हो गए हैं, आज शाम को घर आते वक्त याद से ले आना। अरे इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गए? चलो कोई बात नहीं, मैं ले आऊंगा। गोपाल दास ये नहीं जानते थे कि उनके घर में एक छोटे से बिल में दो चूहे रहते थे और वो दोनों रात के अंधेरे में उनकी रसोई में आकर मोती चूर के लड्डू खा जाया करते थे। अरे चलो 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 दोस्त, अंधेरा हो गया, चलो चलो पार्टी करते हैं। हाँ, चलो आज ही मोती चूर के लड्डू का नया डिब्बा आया है, चलो चलकर खाते हैं। दोनों चूहे रात के अंधेरे में रसोई घर में जाकर बड़े आराम से लड्डू खा जाते हैं। और उधर गोपाल दास परेशान थे कि उनके मोती चूर के लड्डू इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गए। एक दिन अचानक रात को चंद्रा की नींद खुली, उसने गोपाल दास से कहा, अजी सुनते हो, उठो ना, उठो, मुझे बहुत जोर से मोती चूर के लड्डू खाने की भूख लगी है। जाओ ना रसोई घर से जाकर लड्डू ही ले आओ। क्या कह रही हो तुम, ये भी कोई समय है भला लड्डू खाने का? पर चलो तुम्हारा दिल है तो मैं ले आता हूँ। गोपाल दास जैसे ही रसोई घर में लड्डू लाने के लिए जाता है तो देखकर हैरान रह जाता है। वे दोनों चूहे लड्डुओं की दावत कर रहे थे। गोपाल दास को देखकर चूहे वहां से भाग जाते हैं। गोपाल दास तुरंत अपनी पत्नी को बुलाकर लड्डुओं के चोरों के बारे में बताता है। यह सुनकर चंद्रा कहती है, अजी चूहे तो भगवान का रूप होते हैं, उनके खाने के लिए पनीर रख देते हैं तो वे लड्डू नहीं खाएंगे। गोपाल वैसा ही करता है, लेकिन वो देखकर हैरान हो जाता है कि चूहे पनीर ना खाकर फिर से लड्डू खाने लगते हैं। अब गोपाल दास और चंद्रा समझ चुके थे कि चूहों को लड्डू ही अच्छे लगते हैं। अब वे चूहों के लिए अलग लड्डुओं का डब्बा लाने लगे। चूहे यह देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह, आज तो हमारी दावत का अलग ही इंतजाम है, चलो दोस्तों खूब दावत उड़ाते हैं, गोपाल दास का धन्यवाद कहो। घोड़ा और साहूकार। एक बार की बात है, एक साहूकार अपने घोड़े भूरा पर बैठकर शहर जा रहा था। रास्ते में घोड़े के मन में एक विचार आया, ये मालिक मुझे दिन भर कहीं ना कहीं घुमाते रहते हैं, मैं थक जाता हूँ, दिल करता है कहीं दूर भाग जाऊं, बाकी घोड़ों के साथ खेलूं, दौड़ूं, आजाद हो जाऊं, इतनी खूबसूरत दुनिया है, कहीं जाकर आराम से दुनिया देखने के मजे लूं, मगर मेरा साहूकार सेठ तो मुझे कहीं जाने ही नहीं देता, हमेशा बांध कर रखता है। आह, पता नहीं मेरी इच्छा कब पूरी होगी।
उधर मालिक को अपने घोड़े पर बहुत प्यार आता है और वो उसकी भूख की चिंता करने लगता है। अरे अरे, बहुत देर चल लिया, थक गया होगा, है ना भूरा? वो रास्ते में घोड़े को हरी हरी घास खाने के लिए खुला छोड़ देता है। देख देख, कितनी बढ़िया हरी हरी घास है, तुझे भूख लगी होगी, जा जाकर खा ले। अब घोड़ा ये मौका पाकर वहाँ से भागने की सोचने लगता है। क्यों ना यहाँ से भाग जाऊं, ये मौका बहुत अच्छा है। मगर कैसे, यहाँ से भागना बहुत मुश्किल है। घोड़ा भागने की बहुत कोशिश करता है मगर वो भाग नहीं पाता। दोनों आगे बढ़ जाते हैं। मुझे भागना ही होगा, ये मालिक तो मुझ पर सवार होकर यूं घूमता ही रहेगा। एक बार फिर भूरा के मन में फिर से ख्याल आने लगते हैं। हाँ, कुछ तो करना होगा मगर क्या करूं? आगे जाते ही घोड़े को एक रास्ता दिखाई देता है और वो सोचता है, यहाँ से भाग जाता हूँ। आगे चलकर घोड़ा डगमगाने का नाटक करने लगता है और मालिक उस पर से उतर जाता है। अरे अरे, क्या हुआ, यू डगमगा क्यों रहा है, आराम से चल, अब बारी है भागने की। जैसे ही भूरा भागता है मालिक उसके पीछे भागने लगता है। अरे भूरा भूरा, आगे खाई है, क्या कर रहा है रे तू, अचानक तुझे हुआ क्या है? भूरा नहीं सुनता, उसका मालिक उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है। अरे भूरा रुक जा, मेरी बात सुन। भूरा आगे खाई में गिरने ही वाला था कि अचानक मालिक भागकर उसकी पूंछ खींचता है और उसकी जान बचा लेता है। तभी भूरे को अपनी गलती का एहसास हुआ। ओहो, मैं अपने मालिक के लिए कितना गलत सोचता हूँ, ये तो मुझे बहुत प्यार करता है, मुझे अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए।